प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा इंसान जो प्रकृति से बहुत प्यार करता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए तौर तरीकों से जिंदगी जीता है, जिसे मॉडर्न चीजें पसंद नहीं, जिसे मॉडर्न इंसान से नफरत है, और हम लोगों ने उस इंसान को एक नाम दिया है आदिवासी। जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब इंसान जंगलों में किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते थे ये तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और जाना होगा। लेकिन धीरे धीरे हम इंसान मॉडर्न होते चले गए और आज हम इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि हर रोज प्रकृति की छाती को छलनी कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, जैसे आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे और अपने तौर तरीकों से धरती को और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए इतने इतने आक्रामक हो जाते थे कि दुनिया की सबसे तगड़ी माने जाने वाली अमेरिकन आर्मी भी उन जनजातियों से डरकर भाग खड़ी होती है। और आज हम आपको इस वीडियो में हमारे दुनिया में मौजूद उन्हीं जनजातियों के बारे में बताएंगे, उन्हीं आदिवासी समुदाय के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी प्रकृति और अपनी जमीन, अपने रहन सहन और अपनी परंपरा को दुनिया भर के लोगों से लड़कर आज तक बचाए रखा है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चिम्बू स्केलेटन। सबसे पहले हम जिस आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है चिम्बू आदिवासी समुदाय। दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिम्बू पापुआ न्यू गिनी के चिम्बू इलाके में रहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट कर देते हैं जैसे उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चलता फिरता कंकाल जैसा नजर आता है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरीके का रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से डर कर भागना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो लोग इनके लड़ाई से ज्यादा इनकी शक्ल को देखकर डर जाते हैं। ये लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से जिंदगी को जीते हैं, ये खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। आदिवासी समुदाय पापुआ न्यू गिनी के उस इलाके में पिछले 400 सालों से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मोहावक पीपल। सबसे पहले आपको बता दें, मोहावक बालों की एक बनावट को कहते हैं जिसमें बाल किसी इंसान के सिर पर खड़े झाड़ियों जैसा दिखाई देता है। इस आदिवासी समुदाय के लोग बालों को इसी तरीके से सजाते हैं, यही वजह कि इनका नाम मोहावक समुदाय रखा गया। ये आदिवासी का समुदाय नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समुदाय है। ये आदिवासियों का एक ऐसा समूह है जो बंजारी की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब ये लोग अमेरिका से हटकर कनाडा चले गए, लेकिन उससे पहले इस आदिवासी समुदाय का सामना ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से हुआ था। और हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटिश और फ्रांस के मॉडर्न सैनिक इस समुदाय से बहुत बुरे तरीके से हार गए। उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिकों से लड़ने के लिए इस आदिवासी समुदाय ने दो अलग अलग आदिवासी समुदाय से गठबंधन किया था। वैसे तो इस समुदाय में रहने वाले लोग बहुत ही शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब बात उनकी अपनी जिंदगी पर आती है तो वो बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय में सिर्फ पुरुष ही लीडर बन सकता है, और उससे भी हैरानी की बात यह है कि लीडर को चुनने का वोट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देती हैं। सेंटाइन लेसे ट्राइब। अब हम आपको एक ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का इकलौता ऐसा आदिवासी समुदाय है जो इस पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है और वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं इसके बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं। ये जनजाति कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के बगल में बने एक छोटे द्वीप पर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप पर जाने के लिए भारत सरकार ने हर किसी को मना कर दिया है ताकि इस आदिवासी समुदाय को हम इंसानों से कोई खतरा ना हो। हिंदुस्तान सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुदाय इकलौता ऐसा समुदाय है जिसे देखकर हम इंसानों की शुरुआती जिंदगी के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वे लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो धर्मांतरण जैसी चीजों में यकीन करते हैं, और हाल ही में एक पागल और सनकी इंसान ने उन आदिवासी समुदाय को भी ईसाई बनाने के लिए उस द्वीप पर चुपके से चला गया। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि 15 दिनों बाद उस पागल और सनकी इंसान की लाश मिली। दुनिया भर के लोगों को ईसाई बनाने की चाहत देखने वाले इन पागल लोगों की पूरी दुनिया में बहुत आलोचना हुई। इस शख्स की मौत पर दुख जाहिर किया जाए या फिर खुशी जाहिर की जाए कि वो आदिवासी इन खतरनाक लोगों के चंगुल से बच निकले, आप अपने विचार हमें कॉमेंट में बताइएगा। खैर, भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए दुनिया के किसी भी शख्स को पूरी तरह से बैन कर रखा है।
भारत सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा है कि दूर से सिर्फ इस द्वीप की निगरानी की जाए कि वे लोग ठीक से है या नहीं, लेकिन कभी भी किसी को भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा इलाका इंडियन नेवी के द्वारा प्रोटेक्टेड जोन में रखा गया है। इंडियन नेवी दिन रात उन लोगों की रक्षा के लिए वहां पर तैनात रहती है। अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब कोई जानबूझकर या फिर अनजाने में इस द्वीप पर गया और उन आदिवासियों ने उस शख्स को मौत की नींद सुला दिया। शावनी पीपल। अब हम जिस आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं, ये आदिवासी समुदाय भी अमेरिका में ही रहने वाला है, लेकिन आज के वक्त ये लोग अमेरिका से हटकर पेंसिल्वेनिया के इलाकों में रहते हैं। इस समुदाय में लोग अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने के लिए उसके लड़ाई करने के स्किल और तीरंदाजी के तरीकों को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासी तरीके से रहने वाले लोगों के पास युद्ध के बहुत ही खतरनाक तरीके होते हैं। जब ब्रिटिश लोगों ने इसके जमीन को हथियाना चाहा था तो इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था। बाद में इन लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई लड़ी। जब अमेरिका के पूंजीपति लोग इनकी जमीन को हथिया कर उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये समुदाय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये अमेरिका के कुछ ही इलाकों तक सीमित रह गया है। असारा मडमैन। अब हम आपको जिस आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदिवासियों में से एक है, जो पापुआ न्यू गिनी के जंगली इलाकों में रहता है। इसे मिट्टी से लिपटा हुआ इंसान के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल ये जब भी अपने शिकार पर निकलते हैं या फिर कभी जंग पर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर और चेहरे पर मिट्टी लपेट लेते हैं, अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से रंग लेते हैं और अपनी उंगलियों पर बांस लगा लेते हैं, पर अपने चेहरे पर मिट्टी के मास्क लपेट लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उसके दुश्मन उनसे डर जाएंगे, और यकीन मानिए ऐसा होता भी है। दुनिया की चाहे कितनी भी खतरनाक आर्मी ही क्यों ना हो, इनके चेहरे की इस तरीके की बनावट देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोरुबो ट्राइब। कोरुबो जनजाति दुनिया की उन कुछ जनजातियों में से एक है जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर रहकर एक अलग ही जंगली तौर तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये जनजाति ब्राजील में रहती है, जो कि अमेजन के जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन अफसोस आज उनकी जनजाति में सिर्फ 150 से 180 लोग ही बचे हैं। ये जंगल में ही शिकार करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन आज के वक्त में ये ग्रुप दो भाग में बढ़ चुका है। एक ऐसा ग्रुप है जो अपने कट्टर स्वभाव की वजह से इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पुराने तौर तरीकों से ही अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो बाहरी दुनिया के लोगों से भी संपर्क करता है और उनसे हेल्प लेता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इंसानों ने इस समुदाय को दो टुकड़ों में बांट दिया। ये वजह कि इनमें से एक ग्रुप हम इंसानों से बहुत ही अधिक नफरत करता है। अगर आपका सामना कभी उस ग्रुप से हो जाए तो हो सकता है वे लोग आपको मौत के घाट उतार दें। सूरी ट्राइब इथियोपिया। सूरी आदिवासियों की एक ऐसी जनजाति है जो इथियोपिया में पाई जाती है, और आज के वक्त में इनके जनजाति में करीब 7,000 से ज्यादा मेंबर है। ये आदिवासी भी दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। ये जनजाति अपने शरीर पर अजीबोगरीब और दर्दनाक बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई अपने लिप में बड़े से प्लेट को फंसा रखा है तो कोई लिप को अजीबोगरीब तरीके से फैला कर रखा है। इन लोगों में एक बात प्रचलित है, इस जनजाति की किसी महिला का लिप जितना ज्यादा चौड़ा होगा, उसमें जितनी अधिक चीजें पहनी हुई होंगी, उनकी वैल्यू उनके समाज में उतनी ज्यादा होंगी। आपको जानकर हैरानी होगी, ये बहुत ही दर्द भरा तरीका होता है, लेकिन इस जनजाति में रहने वाली औरतों को उस दर्द की आदत पड़ जाती है और उनके लिए वो दर्द कोई मायने नहीं रखता। इस जनजाति में पाए जाने वाले छोटे छोटे लड़के कम उम्र में ही लकड़ी से की जाने वाली लड़ाई सीखना शुरू कर देते हैं। ये भविष्य में इनके ऊपर होने वाले हमलों से बचने के लिए की जाने वाली तैयारी होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये छोटी सी उम्र में ही अपने सैनिकों को तैयार करने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, भले ही आज हम इंसान कितनी मॉडर्न जिंदगी को जी रहे हों, लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रकृति के नियमों के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। वैसी जिंदगी जीते हैं जिससे प्रकृति को कोई नुकसान न हो। भले ही आज उनकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी प्रकृति, जमीन और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हम लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और इन आदिवासी जनजातियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए हर रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।